सोच कर देखिए कि आप राजाओं के युग में जी रहे हैं और एक दिन वो राजा बिना आपके किसी अपराध के केवल आपके प्रभु ईसा पर विश्वास के कारण आपको भूखे शहरों के सामने उनका भोजन बनने का आदेश दे दे, क्या करेंगे आप? हम में से अधिकतर लोग या तो भाग जाएंगे या कोई और मार्ग से बचने का प्रयास करेंगे। पर आपको पता है, एक विश्वासी के साथ सदियों पहले ऐसा हुआ, पर वो भागा नहीं। संतों के पथ में बात करेंगे उन संत की जो जानते ही नहीं थे कि डर क्या होता है। बात करेंगे अंत्योकिया के संत इग्नेशियस की। सीरिया में जन्मे प्रभु ईसा की शिक्षाओं से प्रभावित होकर एक क्रिस्तीय बने अंत्योकिया के धर्माधीश संत इग्नेशियस सुसमाचार लेकर संत योहन के शिष्य थे। कहते हैं वे सन 50 में जन्मे थे और इसीलिए उनके विषय में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने प्रभु ईसा के लिए प्रेरितों से प्राप्त विश्वास को उचित रूप से अपने लोगों के व्यवहार में टालने का प्रयत्न किया। पर एक दिन क्रूर शासक ट्राजन ने संत इग्नेशियस से कहा कि वे या तो सब लोगों के सामने अपने विश्वास के विरुद्ध बोले या तो वे उन्हें शहरों के सामने फेंक देंगे। बाइबल में लिखा है, जो ईश्वर से विमुख हो जाता है वह नष्ट हो जाता है। और संत इग्नेशियस ने प्रभु ईसा को त्यागने के बजाय अपना जीवन त्यागना उचित समझा। राजा ने 10 सैनिकों को संत इग्नेशियस को रोम लाने के लिए भेजा। वे चाहते थे कि विश्वासी देखे कि किस प्रकार एक विश्वासी को प्रदंडित किया जाएगा और वे विश्वास त्याग दें। मुझे शहर का निपाला बनना है, इस विचार से हम घबरा जाएंगे। पर संत इग्नेशियस ने पत्र लिखे, एक दो नहीं पूरे 7। इन पत्रों में उन्होंने विश्वासियों से प्रभु ईसा में विश्वास करने और गरीबों की सेवा करने के महत्व को समझाया। ये पत्र वर्षों तक सहेज कर रखे गए और आज भी कलीसिया का मार्गदर्शन करते हैं। हम संत इग्नेशियस से एकता की प्रेरणा ले, उनसे सीखे कि प्रभु ईश्वर सर्वोपरि है। वे जानते थे कि आनंद जीवन प्रभु के द्वारा ही संभव है। शहरों के सामने उन्हें भय नहीं लगा। उन्होंने कहा, मैं प्रभु के गेहूं का दाना हूं, मैं जंगली जानवरों के दांतों द्वारा पीसा कर मसीह की निष्कलंक रोटी बन जाऊं। आज जब छोटी सी छोटी बातों में हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, तब आवश्यकता है कि हम प्रभु ईसा पर विश्वास करते हुए कठिनाइयों का सामना करें। आज के एपिसोड में विशेष रूप से अवसाद से बचने की प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें, हे ईसा मसीह, जब सब कुछ अंधकारमय हो और हमें अपनी दुर्बलताएं और विवशता अनुभव हो, तब हमें तेरी उपस्थिति का, तेरे प्रेम और तेरी शक्ति का आभास प्रदान कर। तेरे संरक्षक प्रेम में और तेरी बल प्रदाता शक्ति में पूर्ण विश्वास करने में हमारी सहायता कर, ताकि हमें कुछ भी भयभीत और चिंतित ना कर पाए, क्योंकि तेरे समीप रहते हुए समस्त वस्तुओं में तेरे हाथ को, तेरे उद्देश्य और तेरी इच्छा को हम देख पाए। आमीन।